चैनल ट्रेवलर एशिया देसी और आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं व्हाट कैन यू बाय इन वाराणसी एंड वाराणसी स्ट्रीट फूड्स यू शुड ट्राई। सो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो वाराणसी में आप क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या शॉपिंग कर सकते हैं और स्ट्रीट फूड ऑफ वाराणसी आप देख ही सकते हैं। आज सुबह के ब्रेकफास्ट में हम एक कचौड़ी के दुकान पे है, कचौड़ी और जलेबी जो वाराणसी वाली ब्रेकफास्ट होती है, यहाँ के पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। आप यहाँ रास्ते में कहीं भी निकलोगे सुबह सुबह तो आपको कचौड़ी की दुकान ज़रूर मिलेगी। हाँ, यहाँ साउथ इंडियन फूड्स भी बहुत मिलते हैं, इडली डोसा बड़ा वगैरह सब कुछ मिलते हैं, वो भी बहुत मिलते हैं साउथ इंडियन फूड्स भी, पर बनारसी वाला जो ब्रेकफास्ट होती है वही होती है कचौड़ी और जलेबी। तो आप देख ही रहे हैं, हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ले हुए हैं एक जलेबी और तो कचौड़ी एक सब्जी के साथ दिए गए हैं। और ये रोड साइड पे ही दुकान है, आप देख ही सकते हैं कितने लोग, बहुत सारे लोग नाश्ते के लिए आए भी है। तो हम इसके बाद यहाँ से कहीं जाएंगे देखने के लिए आसपास, तो उसके पहले हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ऐसे तो हम ऑयली फूड नहीं खाते हैं, स्वीट्स भी नहीं खाते, फिर भी यहाँ के पॉपुलर ब्रेकफास्ट है ये हम सुने थे आने के पहले, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं। और इसके बाद जो आपको ज़रूर ट्राई करना है वो है बनारस की लस्सी। हाँ, दही लस्सी आप देख रहे हैं, यह प्योर दही की लस्सी बनाई जाती है, यहाँ कोई भी पानी नहीं मिलाई जाती लस्सी में, प्योर दही और रबड़ी और बटर मिल्क वगैरह सब मिला के एक यूनिक लस्सी बनाई जाती है जो ₹30 या ₹40 में मिलती है। और यह है एक बनारसी सिल्क के हैंडलूम के शोरूम। आप देखिए यहाँ हैंडलूम देख रहे हैं आप, हैंडलूम से यहाँ पे बनारसी सिल्क बनाई जाती है। आप यहाँ आ गए तो आपको ये लोग दिखाएंगे कैसे बनारसी सिल्क बनती है। ये देखिए, ये शोरूम का एक आदमी हमें दिखा रहे हैं, एक यहाँ एक साड़ी बनाई जा रही है तो वही दिखा रहे हैं हमें। हाँ, बनारस में आए हैं तो बनारसी सिल्क और बनारसी साड़ी तो ले ही सकते हैं, जो कि सारी इंडिया में फेमस है बनारसी सिल्क। आपको साड़ी लेना है ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, बनारसी सिल्क का बहुत चीज़ें मिलती है। ये तो देखिए अब साड़ी है, ड्रेस मटेरियल है, दुपट्टा है और भी छोटे मोटे चीज़ बैग वगैरह सब कुछ मिलते हैं बनारसी सिल्क में। एक है ये शोरूम है 80 घाट के पास पर, आप किसी ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्री में खरीद सकते हैं या आपको थथरी बाज़ार पे भी जा सकते हैं जो विश्वनाथ मंदिर के नज़दीक होगी, और दूसरी जगह भी आप ले सकते हैं। ये देखिए एक बनारसी दुपट्टा हम देख रहे हैं रेड कलर की, और इसका प्राइस है ₹500। तो हमें ये रेड दुपट्टा बहुत पसंद आई तो हम यही सिलेक्ट कर लिए। हाँ, बहुत कलर की भी वैरायटी है, डिज़ाइन की भी वैरायटी है, प्राइस की भी वैरायटी है। इससे ज़्यादा भी प्राइस कब मिलेंगे, इससे कम प्राइस कब भी आपको मिलेंगे। और ये देखिए बनारस वाली झुमके देखिए इयर रिंग्स की दुकान है इस दुकान पे, ये देखिए मेरी झुमकी और भी इयर रिंग्स हैं। और हाँ, आप जितने भी इयर रिंग्स खरीदते सब ₹50 की है,
ये दशाश्वमेध घाट की जो रोड है उसी रोड के स्टार्टिंग में ही है, और ये है बैंगल्स की दुकान, विश्वनाथ गली में है ये दुकान। और जैसे कि झुमका, यहाँ का झुमका ईयर रिंग्स वगैरह पॉपुलर है, बनारस की बैंगल्स भी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ये कलरफुल होती है। ऐसी डिज़ाइन आपको इंडिया में कहीं और शायद नहीं मिलेगी, जो आप यहाँ पे इतने सारे वैरायटी मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिज़ाइंस के, कलर्स के, डिफरेंट प्राइस के भी है। आप कम प्राइस में भी ले सकते, ज़्यादा प्राइस में भी ले सकते, जैसी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि यहाँ बहुत वैरायटी होती है बैंगल्स की। विश्वनाथ गली पे आप आएंगे तो ये देखिए एक दूसरी दुकान है, यहाँ भी बहुत सारी बैंगल्स पैक किए हुए हैं, आप यहाँ आके खुद सिलेक्ट करके ले सकते हैं आपको जो भी पसंद आए। इस विश्वनाथ गली में जो मंदिर के बगल में जो गली है वहाँ बहुत सारी बैंगल्स की दुकान है। हाँ, यहाँ मिठाई की दुकान भी बहुत है। हम मिठाई नहीं खाते इसलिए नहीं गए, पर दुकान बहुत है और सुने यहाँ की मिठाई भी बहुत मस्त होती है। तो हम एक के बाद एक बैंगल सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। हम सब आए हैं बैंगल्स के लिए, ये भी कर रही है। देखिए कितने सारे सजाए हुए हैं, डिफरेंट साइज के हैं, छोटे बच्चों के लिए भी मिलेंगे, बड़ों के लिए भी मिलेंगे, सबके लिए आप ले सकते हैं। या अच्छे से पैकिंग भी कर देते हैं तो आप घर भी ले जा सकते हैं, टूटने का कोई चांस भी नहीं है। ग्लास का ही बैंगल्स है, पर या ऐसे अच्छे तरीके से पैक कर देते तो आपको टूटेगा नहीं। देखिए डिज़ाइंस कितनी यूनिक है। मैं सारी इंडिया में ऐसे बैंगल्स सच में कहीं नहीं देखी हूँ। हम तो बहुत सारे बैंगल्स ले लिए, टोटल हमारा हुआ ₹490। तो ज़्यादा बैंगल्स हम बहुत लिए हैं हम दोनों मिलकर, तो उससे उसके हिसाब से एक एक कप को बहुत कम ही प्राइस पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमें हुआ है 490 और बैंगल्स हम बहुत सारे लिए हैं। देखिए कलर भी कितना ब्यूटीफुल है, कितना गॉर्जियस है, ब्राइट है ना। और हाँ, अब बनारस पे आए हैं तो बनारसी पान तो आपको ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए एक पान की दुकान है, ये गंगा घाट के पास में है, और यहाँ दुकान में पान बनाई जा रही है। हाँ, नॉर्मल पान आपको ₹10 में भी मिलेंगे, मीठा पान का प्राइस है ₹50। हम भी पान नहीं खाते पर ट्राई कर सकते, क्योंकि आप बनारस पे आए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। कि आपके सामने कैसे बनाए दे रहे हैं। जो लोग पान खाते हैं उनको बहुत ही अच्छे लगेंगे यहाँ आके। और अभी मीठा पान की तैयारी हो रही है, देखिए कितने सारे मीठा मीठी चीज दे रही है। Thank you.
कान में, मीठे कान में तो बहुत कुछ दे रहे हैं पता नहीं कैसे लगते है, पर देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ब्राइट, ये भी ब्राइट ब्यूटीफुल लग रही है। चलिए आप पान खाते रहे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।